यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवी, आपने अपने जन्म के लिए बिल्कुल उचित माता पिता का चयन किया है। मुझे प्रसन्नता है कि वृषभानु पुत्री के महत्व को भली भांति समझते हैं और आपका सत्य जाने बिना भी वह आपको लक्ष्मी के रूप में ही देखते हैं। आप सत्य कह रहे हैं प्रभु, स्त्री के लिए उनके मन में अत्यंत सम्मान है। पिछले कई जन्मों से वो मेरी आराधना कर रहे हैं, किंतु कभी भी उन्होंने मुझसे धन की कामना नहीं की, बल्कि सदा ही उनकी ये इच्छा रही कि मैं उनको पुत्री के रूप में प्राप्त हूँ। इसीलिए इस बार मैंने भक्त वृषभानु को अपने पिता के रूप में चुना है। देवी, आज आपने न केवल वृषभानु को उनकी भक्ति का फल दिया है, बल्कि साथ ही साथ समाज को एक नई सीख भी दी है। जब लोग वृषभानु को उनकी बेटी के प्रति प्रेम और सम्मान देखेंगे, तो उनका भी बेटियों के प्रति दृष्टिकोण बदलेगा। और एक बार फिर से स्त्रियों को वही सम्मान मिल पाएगा जो समाज की कुरीतियों के कारण उनसे छिन गया है। कन्या के जन्म पर ऐसा उत्सव, मेरे भाई के साथ साथ पूरा का पूरा बरसाना पागल हो गया है। भला कन्या के जन्म पर कोई उत्सव करता है क्या? दीदी, तुम बहुत ही अच्छे समय पर आई हो। दीदी, तुम बुआ बन गई हो। लो, तुम मिठाई खाओ। मीठा बाद में हो जाएगा, पहले देख तो लूं आखिर ऐसी कौन सी देवी मैया ने जन्म लिया है तेरे यहाँ पर, जो सारा का सारा बरसाना मेंढक की तरफ हुदक रहा। प्रणाम दीदी। ओ मेरी रानी बिटिया, ये सब क्या है दीदी? जिस कन्या के जन्म की प्रसन्नता में तू पागल हो जा रहा है ना, वो तेरे लिए मुसीबतों का पहाड़ लेकर आई है। मैं तो पहले ही कहती थी, जो बना कन्या का बाप उसके फूटे भाग, पर कोई मेरी सुने तब ना। दीदी, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम क्या बोल रही हो। जो बोलना है साफ साफ बोलो, इस तरह से पहेलियां मत बुझाओ। तेरे घर अंधी बेटी पैदा हुई है। दीदी, जो भी बोल रही हो शुभ शुभ बोलो, ये नहीं हो सकता। पुत्री, अपनी आंखें खोलो, आंखें खोलो ना पुत्री। कीर्ति, ये अपनी आंखें क्यों नहीं खोल रही है? आंखें कैसे खोलेगी ये अंधी जो है, हमारे कुल को अंधा करने के लिए पैदा हुई है ये। वृषभानु, तू तो बड़ी लक्ष्मी मैया की आराधना करता था ना, उनसे मांगता रहता था कि मैया मुझे बेटी का पिता बना दो। बन गया बेटी का बाप, हो गई तसल्ली तुझे, और मांग उल्टे पुल्टे आशीर्वाद। एक तो लड़की, ऊपर से अंधी, हमारा तो कुल ही डूब गया। भगवान के लिए चुप हो जाओ दीदी, अब ये जैसी भी है मेरी बेटी है, और बेटी के होने से कुल डूबता नहीं है, अभी तू भाग्य जगता है। रामेश्वर,
जाके वैद्य जी को लेकर आओ। देवी, ये आपकी कैसी माया है, आप आंखें क्यों नहीं खोल रही? क्या हुआ वैद्य जी, कुछ पता चला हमारी बेटी आंखें क्यों नहीं खोल रही है? ब्रजभानु जी, हमने अपनी पूरी जांच कर ली और चिंता की बात यह है कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं वैद्य जी? आपकी बेटी की आंखें पूरी तरह स्वस्थ हैं ब्रजभानु जी, वो जागी हुई है। पता नहीं क्यों उसने अपनी आंखें बंद कर रखी, जैसे वो अपनी आंखें खोलना ही नहीं चाहती है। आप क्या कह रहे हैं वैद्य जी, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी बिटिया पूरी तरह से स्वस्थ है और वो आंखें नहीं खोलना चाहती। हाँ ब्रजभानु जी, इस बीमारी को ना तो हमने आज तक सुना है और ना देखा है, और इस बीमारी का इलाज हमारे पास भी नहीं है। बिटिया, तो क्या हुआ अगर बरसाना के किसी वैद्य के पास तुम्हारा कोई इलाज नहीं? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, संसार के सभी बड़े वैद्यों को तुम्हें दिखाऊंगा, और देखना तुम जल्द ही अपनी आंखें खोल दोगी। देवी, आपके परिजन चिंतित हैं और आप चुप हैं। आखिर आप अपनी आंखें क्यों नहीं खोल रही हैं? ऐसी कौन सी दुविधा है कि आप संसार को देखना ही नहीं चाहती? दुविधा नहीं प्रभु, इच्छा है। मैंने संसार आज तक सदा आपके ही आंखों से देखा है, इसीलिए जब तक नंदलाल स्वयं मेरी आंखों के सामने नहीं आते तब तक मैं अपनी आंखें नहीं खोलूंगी। लेकिन देवी, नंदलाल अभी शिशु है, वह गोकुल से बरसाना कैसे आ सकते हैं? वो मैं नहीं जानती प्रभु, किंतु वृषभानु की पुत्री अपनी आंखें तभी खोलेगी जब नंदलाल स्वयं उसकी आंखों के सामने आएंगे, और ये मेरा अटल निश्चय है। नारायण नारायण, माता ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज आपकी लीला में स्वयं लीलाधारी भगवान भी फंस गए। अब देखिए ना, गोकुल में नंदलाल माखन खा रहे और बरसाना में ब्रजभानु की पुत्री आंखें मूंदे लेटी हुई हैं। प्रभु, मुझे जानने की बहुत उत्सुकता हो रही है कि आप माता की इस लीला से पार कैसे पाएंगे। नारायण नारायण। मेरा मन तो बहुत दुखी है उन लोगों के लिए। यशोदा, इस दुख की घड़ी में मुझे मेरे मित्र के पास होना चाहिए। प्रभु, माता लक्ष्मी की नेत्र ना खुलने की घटना से मैया यशोदा भी बहुत दुखी है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि वो अपने संतान के जन्म लेने की खुशी को ही भूल गई। एक माँ होने के नाते मैं बहन कीर्ति का दुख अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। मुझे भी ऐसा लगता है, दुख की इस घड़ी में हम सभी को बरसाना चलना चाहिए। परंतु यशोदा, तुम्हारी मनौती कि हमारे घर संतान होते ही तुम उसे सत्यनारायण के दर्शन करवाने ब्रजपुर के मंदिर ले जाओ। नंद जी, आप उसकी चिंता तनिक भी मत कीजिए, हम पहले लल्ला को सत्यनारायण भगवान के दर्शन करवा देंगे और फिर वहीं से बरसाना चले जाएंगे। ऐसा करना उचित रहेगा। नारायण नारायण, आपकी लीला परंपार है प्रभु, भला आपकी माया से कौन पार पा सकता है? अब देखिए ना, जितनी सरलता से आपने अपनी मन की बात मैया यशोदा के मुख से कहलवा दी और पलक झपकते सबको बरसाना आने के लिए तैयार भी कर लिया। मैं सत्यनारायण भगवान से उनकी बेटी के लिए भी प्रार्थना करूंगी, कौन जाने भगवान सत्यनारायण की कृपा होते ही उनकी पुत्री आंखें खोल दे। माता,
अब बस कुछ ही समय की देर है, नंदलाल के बरसाना पहुंचते आपको अपनी आंखें खोलनी ही पड़ेगी माता। मैं भी तो उसी पल की प्रतीक्षा कर रही हूँ देवर्षि नारद, कि कब प्रभु मेरे सामने आएंगे और मैं अपनी आंखें खोलकर सर्वप्रथम उनके दर्शन कर सकूं।